सो हेलो गाइस, कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं उन कपल्स के बारे में जिनकी पार्टनर का जो कद काफ़ी ज़्यादा छोटा है और वो अपने जो शारीरिक रिलेशन को अगर अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। आप अगर अलग तरीके से कुछ ट्राई करना चाहते हो, नई चीज़ अगर ट्राई करना चाहते हो, नई तरीके से करना चाहते हो, तो ऐसे में आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हर कपल से एक इच्छा होती है, चाह होती है कि नई तरीके से, नए स्टाइल में नई चीज़ ट्राई करें ना। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर आपका मेल पार्टनर बड़ा है, अगर फीमेल पार्टनर अगर छोटी है, तो ऐसे में छोटे कद वाली लड़कियों के साथ आप किस तरीके से रिलेशन बनाओ, कौन से तरीके अपनाओ, जैसे आप दोनों को काफ़ी ज़्यादा है मतलब कि अंदर से खुशी हो और अच्छे से आप संतुष्ट हो, उस चरम तक आप पहुँच सको, कोई भी आपको दिक्कत ना हो। तो देखो, सबसे पहला ध्यान देना चाहिए कि जो भी पार्टनर होते, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे छोटा हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो आपकी फीमेल पार्टनर है अगर छोटी है, तो मेल पार्टनर को नीचे होना चाहिए, फीमेल पार्टनर को ऊपर होना चाहिए। अगर फीमेल पार्टनर आपके ऊपर से करती है, आपका पूरा सपोर्ट करती है, तो इससे आपको भी अच्छे से संतुष्टि मिलती है और आपके फीमेल पार्टनर को भी। दूसरी की अगर आप मतलब कि टेबल पर बैठे हो, अगर आप अपने गोद में लेकर अपने पार्टनर को अगर करना चाहो, तो ऐसे में आप नहीं कर पाओगे। बहुत लोग कहते हैं कि लोटस और भी मिशनरी कई तरह के ऐसे मतलब कि होते हैं, तो उन सब चीज़ों को आप इसमें नहीं कर पाओगे। जैसे कि अगर आप पीछे से करना चाहो, तो पीछे से भी आप कर सकते हो, क्योंकि पीछे से भी बहुत ही जल्दी से आपके पार्टनर संतुष्ट हो सकते हैं। ठीक है, छोटे से दो ऐसे टिप्स हैं।